जनपद संभल के चंदोसी कोतवाली क्षेत्र में पाया गया कोरोना संक्रमित युवक, प्रशासन ने इलाका सील कर सैनिटाइज कराया। इस समय भारत के साथ पूरे विश्व में कोरोना वायरस का असर देखने को मिल रहा है। इस वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या में भी काफी इजाफा हो रहा है। जनपद संभल में भी कल 11 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद प्रशासन ने तुरंत उन इलाकों को हॉटस्पॉट बनाकर सील कर दिया तथा पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया। आज नगर पालिका परिषद के कर्मचारियों ने उन हॉटस्पॉट इलाकों में पहुंचकर उन इलाके की इमारतों तथा सड़कों को सैनिटाइज भी किया। ये मंत्री महोदय गुलाब देवी आपके सामने। मैडम, जो अपने यहाँ पे जो टीम में एक कर्मचारी स्वास्थ्य कर्मी काम करता था, वो डेली घर आता था और आज वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, तो उस पर आपका क्या कहना है? हमारी डॉक्टरें की सारी टीम जान हथेली पे रख के काम कर रही है जी, और वही बचाने का एक हमारे पास माध्यम है, दूसरा है नहीं कि डॉक्टर हैं, नर्स हैं, उनका स्टाफ है जी, उसी में ये लड़का काम करता था जी, इन्हीं के साथ में जी, सेवा कर रहा था ये। हाँ, सेवा कर रहा था जी। ये मृतक आश्रित पे लगा हुआ है जी, लेकिन कोई भी लक्षण इसके अंदर नहीं थे जी, इसी वजह से डॉक्टर लोग या स्टाफ भेजता था, अगर कोई जरा से भी लक्षण होते तो इसको नहीं भेजा जाता जी। और आज जब ये पॉजिटिव पाया गया है जी, तो यहाँ पूरी व्यवस्था प्रशासन कर ही रहा जी, ये सब पूरा मोहल्ला जो है वो सील कर दिया जाएगा जी। और वैसे भी हमारा प्रशासन बहुत सक्रियता से जी पूरी जगह पे लगा हुआ है, और इसीलिए हमारी चंदोसी विधानसभा बची हुई थी जी। ये पहला केस ऐसा आया है जी, जो कि इस तरह से पॉजिटिव पाया। अपने शहर के या क्षेत्र के सुरक्षा के लिए आप क्या गाइडलाइन देनी चाहेंगे जो प्रशासन है? इसमें सारी सुरक्षा हमारी सारी सुरक्षा व्यवस्था चल रही है, प्रशासन लगा हुआ है जी, हमारे SDM है यहाँ पर, जो है DM है जी, सब इसमें लगे हुए हैं, कहीं कोई अब ये चंदोसी में जो कोरोना पॉजिटिव दो लोग पाए गए, कपिल सिपाही हैं और एक युवा अंशुल भाई हैं, आवास विकास के और ये रायसत्ती के, इस पे आप क्या कहना चाहेंगी प्रशासन? सेवा कर रहे हैं, सेवा करते करते ही इनकी जान जोखिम में आई है जी। अब अगर ये सेवा नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? मैं तो इनके लिए धन्यवाद देती हूँ और इनके प्रति इनको प्रणाम करती हूँ कि इतना इन लोगों ने त्याग किया है कि अपनी जान को संकट में डालकर लोगों के लिए ये सुरक्षित रखें। ऐसे हालात में शहर के लोगों को क्या संदेश है मैडम? शहर के लोग समझ रहे हैं कि अगर डॉक्टरों की टीम ना हो, हमारे प्रशासन इतना सक्रिय ना हो जी, तो अब तक न जाने ये दो नहीं होते, पता नहीं कितने होते जी। ये हमारे इन्हीं लोगों की सक्रियता की वजह से सब सुरक्षित है। अब प्रशासन को सख्ती करनी चाहिए या नहीं? प्रशासन तो हमारा बिल्कुल सख्त है जी। और सख्त होने की वजह ये वो लोग हैं जो पॉजिटिव पाए गए हैं, जो सेवा कर रहे हैं, जो मरीजों में रह रहे हैं, कोरोना के मरीजों में रह रहे हैं जी, ऐसे लोगों के ऊपर प्रभाव पड़ा है जी। वैसे चंदोसी में कोई प्रभाव नहीं है। ठीक है।